अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा प्रभाग समिति ने भाजी मार्केट का नया टाइम टेबल जारी किया है। आपको बता दें, पहले रमजान होने की वजह से मुमरा में सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक की भाजी, फल, राशन और दूसरी चीजें खरीदने के लिए छूट दी गई थी, मगर मुमरा में कोरोना मामले को देखते हुए एक बार फिर नया टाइम टेबल दिया गया है। अब मुमरा में सुबह 7 से सुबह के 9 बजे तक की छूट दी गई है। वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी के डेप्यूटी कमिश्नर मनीष जोशी ने क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। हमने रमजान में सुबह 3 से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम हमने दिया था। अब उस पीरियड में हमने लोगों को अलाउ किया था कि भैया आप नीचे आइए, और हमने जो ऑनलाइन का तो था रूल वो भी शिथिल कर दिया था, क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई मुमरा में ऑनलाइन में थोड़ी लोगों को तकलीफें आ रही हैं, इसलिए हमने लोगों को वो सहूलत दी थी। लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि सुबह 3 से 12 के दरमियान लोग शॉपिंग के लिए तो उतर रहे थे, नीचे खरीदारी के लिए उतर रहे थे, लेकिन उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा। जितने भी ऑनलाइन सुविधा देने वाले सप्लायर्स हैं, सब्जी वाला होगा, फ्रूट वाला होगा, नॉनवेज वाला होगा, उन सब के नंबर्स हमने डिस्प्ले किए। देखिए, लोगों ने नीचे नहीं उतरना है, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमें किसी भी हाल में कोरोना वायरस का जो चेन है, मराठी में जो साखळी बोलते हैं, वो हमें तोड़नी है। तो ये कैसे टूटेगी? लोगों ने नीचे नहीं उतरना। आज रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन होगा, इसीलिए अभी से ही हमारे अतिक्रमण विभाग के प्रमुख बाड़ू पिछड़ साहब, साबड़े साहब, वो बैरिकेडिंग करना शुरू कर देंगे। जो शहर के जो प्रमुख रास्ते हैं वो हम बैरिकेडिंग कर देंगे, क्योंकि लोगों ने बाहर ही नहीं निकलना। उन बैरिकेडिंग पॉइंट्स पे पुलिस बंदोबस्त होगा। और एक चीज़ मैं आपको एक बता दूँ, हमारे मुमरा प्रभाग समिति में एक ही पेट्रोल पंप है, वो भी पेट्रोल पंप ये लॉकडाउन पीरियड में बंद रहेगा, क्योंकि अगर भारी नहीं निकलना है तो पेट्रोल की क्या जरूरत फिर। तो सहायक आयुक्त साहब, हमारे मुमरा का जो एक में पेट्रोल पंप है उसके भी उन्होंने बंद करने के आदेश पारित कर दिए हैं। आज रात से ये पेट्रोल पंप भी बंद हो जाएगा। अभी आप पूछेंगे ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, एक चीज़ हम क्लियर कर दें आपको कि लॉकडाउन कब तक रहेगा इसका अभी तक हमने डेट निश्चित नहीं किया, क्योंकि अगर सब कुछ बंद है और अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो फिर क्या करें। तो हेल्पलाइन भी अभी एक पब्लिश होगी। और एक चीज़ आप देखिए, हमने एक चीज़ कर रखा है कि आजकल जो दवाइयों की जो दुकानें हैं उनमें दवाइयाँ कम और बिस्किट, चॉकलेट, ये मैगी ज़्यादा बिक रहा है। तो आप देखेंगे सहायक आयुक्त साहब की जो ऑर्डर है उसमें स्ट्रिक्टली हमने लिखा है कि दवाइयों की दुकान में सिर्फ दवाइयाँ बेची जाएंगी, और अगर दवाइयों व्यतिरिक्त अगर कुछ चीज़ हमें दिखी बेचते हुए तो हमारा अतिक्रमण विभाग उस पर कार्रवाई करेगा, और हमारा अतिक्रमण विभाग वो सारी चीज़ों को जब्त कर देगा। हॉकर्स बाजार www.hawkersbazaar.com, ये हमारे मुमरा प्रभाग समिति के सभी नगर सेवक हमारे एरिया के स्थानिक आमदार और हमारे मंत्री महोदय अवार्ड साहब, ऑनरेबल म्यूनिसिपल कमिश्नर सिंगल साहब, सबके साथ चर्चा हुई और उस चर्चा अंत ही ऐसे डिसाइड किया गया कि हमें हमारे मुमरा प्रभाग समिति में अगर केसेस को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना ज़रूरी है। तो अहेर साहब, हमारे सहायक आयुक्त, इन्होंने कल ही लॉकडाउन के ऑर्डर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। वो ऐसे हैं कि आज रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन फॉलोअप किया जाएगा, लेकिन जैसे हमारे सभी नगर सेवकों की जो मांग रहती है कि सर आप लॉकडाउन कीजिए, लॉकडाउन को कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं,
उन्हें एसेंशियल सर्विसेज भी मिलते रहने चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमारे सहायक आयुक्त साहब ने ऑनलाइन डिस्प्ले भी किया हुआ है उन सर्विस प्रोवाइडर्स का कि जो ऑनलाइन घर में आपको घर पहुँच सब्जियाँ फ्रूट्स और किराना माल देंगे। मैंने आपके साथ अभी एक वेबसाइट भी शेयर की है, उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपनी ऑर्डर उस पर बुक कर सकते हैं और आपको होम डिलीवरी मिलेगी। मुमरा के कई लोग इस वेबसाइट का भी वापर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी के सहकार्य से आई एम वेरी श्योर कि ये जो टोटल लॉकडाउन है ये हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाल्लाह केसेस जैसे ही कम होने लग जाएंगे, लॉकडाउन में शिथिलता दी जाएगी और हो सका तो लॉकडाउन भी हम उठा देंगे। आपको बता दें, इस नए बाजार टाइम टेबल में आपको क्या क्या मिलेगा और क्या बंद रहेगा। चिकन मटन और मछली की दुकानें, भाजी तरकारी और फल फ्रूट की दुकानें 26 मई की रात 12 बजे से अगला आदेश आने तक पूरी तरह से बंद रहेगी। बेकरी और राशन की दुकान वालों को होम डिलीवरी करनी होगी। सभी दूध की डेयरी सुबह 7 से 9 बजे तक की खुली रहेगी। सिर्फ दवाखाना और मेडिकल स्टोर अपने पुराने टाइम टेबल से खुले रहेंगे। ये नया आदेश मुमरा प्रभा समिति के सहायक आयुक्त महेश अहर ने दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।